खैरियत न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के जमाने में शारीरिक संबंध मनुष्य के जीवन का एक अहम हिस्सा है और कई सारे लोग कंडोम के बिना शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कई सारे लोग शारीरिक संबंध बनाते वक्त कंडोम का इस्तेमाल करते हैं। शारीरिक संबंध बनाते वक्त कंडोम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए क्योंकि कंडोम का इस्तेमाल करने से आपका शरीर बीमारियों से मुक्त रहता है। कंडोम का इस्तेमाल करना हमारे लिए अच्छा तो होता है लेकिन कंडोम से जुड़ी ऐसी कई सारी बातें हैं जो मनुष्य को पता होनी चाहिए और आज हम आपको कंडोम से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे कि शारीरिक संबंध बनाने से आपको कैंसर जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि कंडोम में पाउडर और लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है और उस पाउडर और लुब्रिकेंट से शरीर को कैंसर होने का खतरा रहता है। हम अपने आप को HIV से मुक्त रखने के लिए कंडोम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि जिस कंडोम का इस्तेमाल आप HIV जैसी बीमारियों से बचने के लिए करते हैं वही कंडोम का ज्यादा इस्तेमाल करने से गुप्तांगों में खुजली जैसी समस्या हो सकती है क्योंकि कंडोम को बनाने में लेटेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमारी त्वचा पर खुजली जैसी समस्या हो सकती है। कई सारे लोग प्रेगनेंसी के बचने के लिए कंडोम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि अगर कोई मनुष्य एक सपायरी डेट वाला कंडोम का इस्तेमाल करता है तो वो कंडोम फटने का डर रहता है और कंडोम फटने की वजह से नचाते हुए भी प्रेग्नेंट होने का खतरा रहता है। इसीलिए जब भी कंडोम ले तो एक सपायरी डेट देख कर ही ले।